आनंद किचन में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बनाएंगे ये पान लड्डू, बहुत ही टेस्टी है। सबसे अच्छी बात, हमने गैस को बिल्कुल नहीं जलाया, हमने चीनी भी नहीं डाली है, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और ये टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगी किस तरह से ये सॉफ्ट मुलायम नारियल पान लड्डू बनकर तैयार होंगे। आई एम श्योर दोस्तों रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो बातें बंद करते हैं और पान नारियल लड्डू की रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये पान लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ पान के पत्ते। मैंने यहाँ पर टोटल 5 पान के पत्ते लिए हैं, तो इनकी जो स्टेम है इसको हम निकाल देंगे इस तरह से, बहुत इजीली ये ब्रेक हो जाती है हाथ से ही। अब इन पान के पत्तों को हमें मिक्सी में डालना है और एकदम बारीक पीस लेना है। तो मैंने एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है, इन पान के पत्तों को मैं हाथ से ऐसे तोड़ देती हूँ रफली। बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और अभी हम इनको बहुत बारीक एकदम पीस लेंगे। तो ये पान के पत्ते पीस कर रेडी हैं। चलिए अब हम बाकी के स्टेप्स कर लेते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, मेरे पास है 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट ना हो तो जो सूखा नारियल आता है आप उसे मिक्सी में पीस के घर पे भी इसको बना सकते हैं। साथ में मैं डालूंगी 1 कप ही मिल्क पाउडर। तो जितना हमने नारियल पाउडर लिया है उतना ही हम मिल्क पाउडर लेंगे। दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नारियल और मिल्क पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हमने जो अपनी ये पान के पत्तों से बढ़िया प्योरी बनाई है इसको मैं इसमें डाल दूंगी। दोस्तों मैंने चीनी नहीं डाली है क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है वो मीठा होता है और हम इसके बीच में गुलकंद की स्टफिंग करेंगे तो वो भी मीठा होता है, तो इसलिए हमें अलग से चीनी डालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से हम सभी चीजों को मिक्स करेंगे। एक्चुअली मैं हाथ से कर लेती हूँ, स्पून से प्रॉपर ये मिक्स हो नहीं रहा है जो हमें डो बनाना है। हम इसे बहुत अच्छे से मस लेंगे। अगर आपका मिक्सचर ड्राई लगे आपको तो आप थोड़ा सा 2 चम्मच उसमें दूध डाल सकते हो। इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है पान के पत्तों की और नारियल की। ये देखिए मिक्सचर ने एकदम बढ़िया एक इसमें शेप ले ली है। ये हमारा डो बिल्कुल तैयार है, सॉफ्ट मुलायम। तो लड्डू बनाने के लिए मैं एक बार हाथों को धो लेती हूँ, फिर हम लड्डू बनाएंगे। तो दोस्तों लड्डू बनाने के लिए हमारा ये कोकोनट मिक्सचर तैयार है, साथ में मैंने थोड़ा सा गुलकंद लिया है और ये मेरे पास है जो सौंफ वाली सुपारी आती है और यहाँ मैंने खजूर वाली सुपारी ली है, तो इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए मैं अपने हाथों पे बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी लगा लेती हूँ ताकि जो मेरे हाथ हैं वो चिकने हो जाएं। अब इस मिक्सचर में से मैं थोड़ा सा लूँगी सेक्शन इस तरह से, इसको हम फ्लैट कर लेंगे और जो हमारा गुलकंद है 1/2 टीस्पून गुलकंद मैं इसके बीच में रखूंगी, थोड़ी सी सुपारी रख दूंगी बीच में, ये हम खजूर वाली सुपारी भी रखेंगे और अब इसको धीरे से हल्के हाथों से हम सील कर देंगे इस तरह से। मैं इसको एकदम राउंड शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए एकदम बढ़िया लड्डू तैयार है। मुझे इसको अभी गार्निश करना है, तो मेरे पास है थोड़ा सा यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट। लड्डू को मैं इसमें रोल कर देती हूँ। ऐसा करने से लड्डू का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया लगता है और वो फिर हाथों में चिपकता भी नहीं है। तो देखिए कितना बढ़िया लड्डू तैयार है।
इसको गार्निश करने के लिए थोड़ी सी ऊपर से सुपारी रख देती हूँ। इसी तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो तैयार हैं ये पान लड्डू। देखा आपने हमने कितना झटपट इनको बना लिया। दिखने में बहुत सुंदर हैं, खाने में बहुत टेस्टी हैं। दोस्तों आई एम श्योर रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको ट्राई करके मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में आपके लड्डू कैसे बने। और एक जरूरी बात, ये लड्डू को हमेशा फ्रिज में रखना है, ये एक हफ्ते तक चलते हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए ऑरेंज किचन।